18 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला में होने वाली एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री हरियाणा समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। अंबाला शहर के पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में होने वाली इस रैली की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री असीम गोयल अंबाला जिला अध्यक्ष मनदीप राणा पहुंचे। इस दौरान सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर सभी को रैली में सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि पूरी लोकसभा की जनता में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने का उत्साह है। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए सभी में काफी उत्साह है। व्यवस्थाओं को लेकर आज एक मीटिंग की गई है और परसों तक लगातार ये बैठक भी चलेगी और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां भी चलेंगी। हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे। ऐसा कार्यक्रम अंबाला में पहले कभी नहीं हुआ होगा, रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम होगा। असीम गोयल ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी का अंबाला में कार्यक्रम रिकॉर्ड तोड़ होगा। देखिए, व्यवस्थाओं के नाते बैठक ली है और एक अंबाला के लिए, मैं समझता हूँ हर कार्यकर्ता के लिए जो देश को प्यार करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को प्यार करता है, उसके लिए तो बहुत गर्व की बात है ही है। लेकिन पूरी लोकसभा के अंदर भी, और मैं मानता हूँ कि जो माननीय मोदी जी को पसंद करने वाले साथी हैं, लोग हैं, आम जन हैं, मेरे पे इतने फोन लोगों के, एक बार प्रधानमंत्री जी को सुनने का इतना चाव है और अंबाला शहर जो है परसों साक्षी बनेगा उनके आगमन का और उनके विचार हम सब लोग यहाँ सुनेंगे, बहुत उत्साह। और उसी नाते आज व्यवस्थाओं की एक बैठक जो है की है और ये लगातार परसों तक बैठकें भी चलेंगी, लोगों से मिलना जुलना भी चलेगा और प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार अंबाला आ रहे हैं, कितनी संख्या की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं? देखिए, हमने अपनी तरफ से लगभग सैकड़ों की नहीं, हजारों लोग, सैकड़ों तो बसें, हजारों लोग लगभग, मैं कह सकता हूँ रिकॉर्ड टूटने वाला है, अब तक ऐसा अंबाला शहर में कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। हजारों हजार की संख्या में जो है अपने प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, बहुत उत्साह, बहुत।